थर्ड यूनिट, सेकंड आपकी ख़त्म हो गई थी परसों, आज आपकी थर्ड यूनिट है, जिसमें क्या लिखा है, आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जो आपके टर्पीन्स हैं कि टर्पिनॉइड कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं, जिससे कि आपको क्या मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं मोस्टली, ठीक है, जैसे आपका मैंथॉल हो गया या सिट्रल हो गया, तो इसका क्या करना है, आपको आइसोलेशन पढ़ना है यानी कि एक्सट्रैक्शन पढ़ना है। दूसरा, इनके लिए क्या स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं वो पढ़ना है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखा है, एनालिसिस ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जब हमें क्या होता है, आपके जो टर्पिनॉइड्स हो गया या आपके जो ग्लाइकोसाइड या एल्केलॉइड्स हो गया है, जैसे आपका एल्केलॉइड में एट्रोपिन है, ठीक है, आपको क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो मिल जाएगा एक्सट्रैक्शन के बाद में, बट उसको एक क्या, जो पर्टिकुलर आपका अगर एट्रोपिन है, तो क्या होता है आपकी कि कोई आपकी एल्केलॉइड कैटेगरी की जो ड्रग होती है, उसमें आपके बहुत सारे एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, कोई एक तो रहता नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम फर्दर, जो आपका एनालिसिस ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि उसके लिए हम अलग मेथड यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन के बाद में, जिससे कि हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेशन कहते हैं, यानी कि उस मेथड से क्या होता है, हम पर्टिकुलर उस ड्रग में से केवल एट्रोपिन को अलग कर लेते हैं। ठीक है, आइसोलेशन में क्या पढ़ोगे, पहले तो आप क्या करोगे, जो क्रूड ड्रग है उसका एक्सट्रैक्शन करना होता है, जब आपको पूरा एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो आपको रेसिड्यू मिल जाता है, उसका आप क्या करोगे, जो उसका पर्टिकुलर एक टेस्ट होता है, जिससे कि हमें कंफर्म होगा कि हाँ इसमें आपका एल्केलॉइड ही प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम उसके लिए क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि कोई एक फ्रैक्शनेशन मेथड करेंगे, जिससे कि क्या हमें आइसोलेट हो जाएगा पर्टिकुलर वो आपका कौन सा एल्केलॉइड प्रेजेंट है उस ड्रग में, यानी कि जो आप निकालना चाह रहे हो ड्रग से एल्केलॉइड, वो आपका कौन सा है, वो आपका एट्रोपिन है या क्विनिन है या कैफीन है या रेजरपिन है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका आज एल्केलॉइड कैटेगरी से शुरू करवा रही हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट आपका रेजरपिन, फर्स्ट है रेजरपिन। रेजरपिन किससे मिलता है आपको, रावोल्फिया से, है ना, तो इसमें लिखो पहले बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट ऑफ द प्लांट डिराइव्ड रूट ऑफ द प्लांट नोन एज रावोल्फिया सर्पेंटाइना, RAUWOLFIA, रावोल्फिया सर्पेंटाइना, SERPENTINA, रावोल्फिया सर्पेंटाइना, बिलोंगिंग टू फैमिली एपोसाइनेसी, APOCYNA CEAE, एपोसाइनेसी। लिखा, अब लिखो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें लिखो About 30 indole alkaloids have been reported in drug and total alkaloid contain of Rauwolfia root.
लिखा अबाउट 30 इंडोल एल्केलॉइड्स हैव बीन रिपोर्टेड इन ड्रग एंड टोटल एल्केलॉइड द टोटल एल्केलॉइडल कंटेंट ऑफ रावल्फिया रूट. इंडोल एल्केलॉइड आपकी क्या है, एल्केलॉइड कैटेगरी की ही ड्रग है, यानी कि जो आपके एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं ड्रग में उनके क्या क्लासिफिकेशंस मैंने आपको शायद फोर्थ चैप में बताया था, ठीक है. तो उसी में से एक आपका क्या है, इंडोल एल्केलॉइड्स है, जो कि क्या होते हैं एल्केलॉइड की जो भी आपकी ड्रग्स होती है उनमें कम से कम कितने 30 इंडोल एल्केलॉइड्स क्या होगी जो रिपोर्टेड हो रखे हैं, जो कि कहाँ मिलते हैं मेनली आपको जो आपके एल्केलॉइड कंटेंट ड्रग होती है जिसमें से एक आपकी कौन सी है, रावोल्फिया रूट, यानी कि जो रावोल्फिया का जो प्लांट है आपका उसकी रूट में आपको क्या मिलता है, इंडोल एल्केलॉइड मिलता है. नेक्स्ट लाइन से लिखो द मेजर एल्केलॉइड्स रेजरपिन RESERPINE रेजरपिन, जो कि हम क्या करेंगे अभी इसका आइसोलेशन पढ़ेंगे, एंड रेसिनामीन RESCINAMINE रेसिनामाइन फुल स्टॉप. अब लिखो मेथड ऑफ आइसोलेशन मेथड्स ऑफ आइसोलेशन. इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है ना, एरो वाइज बताऊंगी मैं आप लोगों को, इसी तरह से लिखना है. लिखा आप लोगों को ये, मतलब मैं तुम्हें सिर्फ जो ऊपर से लिखाऊंगी तो एरो वाइज लिखना है, ये नहीं कि आप एक जैसा आगे से लिख रहे हो, मैं बस ये बोल रही हूँ. इतना लिखा, ठीक है, इस तरह से लिखना है. सबसे पहले लिखना पाउडर ड्रग, यानी कि आप पहले क्या लोगे, रावोल्फिया रूट लोगे, उसको क्या करोगे क्रश कर लोगे. अगर मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है वो पाउडर फॉर्म में तो आप डायरेक्ट पाउडर लोगे उसका, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे रूट लोगे, रूट को पहले ड्राई करोगे प्रॉपरली जिससे कि वो ईजिली क्या हो जाए आपकी क्रश हो जाए, यानी कि पूरा उसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना. तो लिखो पाउडर ड्रग, ब्रैकेट में लिखना रावोल्फिया. लिखा इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, एरो करके लिखना, एरो बनाना, एरो बना करके एरो के आगे लिखना इस तरह से, ये एरो बनाया है ना इसके आगे लिखना एक्सट्रैक्टेड विद 90% एल्कोहल, एक्सट्रैक्टेड विद 90% एल्कोहल. लिखा एक्सट्रैक्टेड विद 90% एल्कोहल, ब्रैकेट में लिखना इसको एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट.
बेसिकली क्या होते हैं, जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फ्री बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी क्या होता है, आपके जो एल्केली प्रेजेंट होते हैं आपके एल्केलॉइड में, इनके एल्केलाइन क्या होता है, आपके फ्री बेसिक फॉर्म में जब होते हैं एल्केलॉइड में, तो उस केस में क्या होती है, जो आपके एल्केलॉइड जो सॉल्युबल होते हैं वो किस में होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एल्केलॉइड्स हो गया, या क्लोरोफॉर्म, सॉरी एल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, आपके पेट्रोलियम ईथर, या आपके क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो आपका जो यहाँ पे डाउ वॉल्फिया है इसमें, यानी कि आपका क्या है, जो एल्केलॉइड है आपका वो किस फॉर्म में, फ्री बेसिक फॉर्म में है, इसलिए हमने इसको क्या कि आपका एल्कोहल में डिजॉल्व कर रखा उसमें, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है। अब आपने एरो बनाया था, एरो के नीचे लिखो कंसंट्रेट एंड ड्राइड, कंसंट्रेट एंड ड्राइड। लिखा ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आपने अपनी ड्रग को क्या किया, अल्कोहल में डिसॉल्व किया, फिर उसको आपने क्या किया, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट बनाया आपने जब अपनी ड्रग का, उसके बाद आपको क्या करना है, उसे कंसंट्रेट करना है, यानी कि आप उसको क्या करोगे, इवेपोरेट कर लोगे, यानी कि जो आपका अल्कोहल प्रेजेंट था किस में, आपकी ड्रग में, आपके ड्रग में जितने भी एल्केलॉइड्स प्रेजेंट थे, जिसमें से एक आपका क्या है, रिजर्पीन है, वो क्या हो गया, एल्कोहल के साथ में सॉल्युबल हो गया, है ना। अब सॉल्युबल होने के बाद क्या करोगे, आप उसे कंसंट्रेट कर दोगे। उसके बाद फर्दर लिखो, कंसंट्रेट के नीचे एरो बनाना, एरो बना करके एरो के सामने लिखना, ठीक है। फर्दर एक्सट्रैक्ट विद, फर्दर एक्सट्रैक्ट विद ईथर, क्लोरोफॉर्म, एंड एल्कोहल। जब आपने अपने उस ड्रग को कंसंट्रेट कर दिया एंड ड्राई कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, उसमें ईथर, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल को ऐड कर देना है। इतना लिखा, ब्रैकेट में इसका रेशियो लिखो, 20:8:2.5, 20:8:2.5। अब एरो के नीचे लिखना, डाइल्यूट अमोनिया इज एडेड इन एक्सट्रैक्ट, जब आपने क्या किया, इसमें ईथर, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल को मिक्स किया अपने किस में, जो आपने कंसेंट्रेट जो कर रखी थी ड्रग को, उसमें आप बाद में क्या डाल दोगे, उस एक्सट्रैक्ट में डाइल्यूट अमोनिया को ऐड कर दोगे, डाइल्यूट अमोनिया इज एडेड इन एक्सट्रैक्ट। एरो बना के लिखना नीचे, एड वाटर, एड वाटर। एरो बना के एरो के सामने लिखना, एड वाटर। वाटर हमने क्यों ऐड किया है इसमें, अगर आपकी उस ड्रग में कुछ परसेंट क्या चीज़ें हैं, यानी कि आपका अगर एल्केलाइन जो होता है वो अगर एसिड नेचर का होगा, यानी कि उसमें अगर एसिड सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, तो उस केस में क्या होता, आपने वाटर ऐड किया है, ठीक है ना। तो जो आपके बेसिक नेचर के जो एल्केलॉइड्स होंगे वो तो आपके क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएंगे, और जो आपका क्या होगा, एसिडिक नेचर, यानी कि जो आपका एसिड सॉल्ट अगर प्रेजेंट होगा उसमें, तो आपका कहाँ हो जाएगा, वाटर के साथ में सेपरेट हो जाएगा। अब एरो के नीचे लिखना, सॉल्यूशन इज फिल्ट्रेट। आपने क्या करना है, बाद में जब आपने मिक्स कर दिया है सब चीज़ों को, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको फिल्टर कर दोगे,
सॉल्यूशन इज फिल्ट्रेट. लिखा अब एरो बना करके एरो के नीचे लिखना, एरो बना करके एरो के नीचे लिखना. आपने क्या किया, सॉल्यूशन को फिल्टर कर दिया. ठीक है, फिल्टर करने के बाद क्या आया, एक आपका रेसिड्यू बचा ऊपर फिल्टर पेपर पे, नीचे आपका क्या हो गया, फिल्ट्रेट आ गया. तो आपको क्या लेना है, रेसिड्यू लेना है जो कि आपका ऊपर फिल्टर पेपर में है. ठीक है ना, तो इसमें लिखो रेसिड्यू इज एक्सट्रैक्ट विद, रेसिड्यू इज एक्सट्रैक्ट विद जीरो पॉइंट फाइव अमोनियम सल्फेट NH2SO4. रेसिड्यू इज एक्सट्रैक्टेड विथ 0.5 अमोनियम सल्फेट इन अ सेपरेटिंग फनल. लिखा इतना लिखा. ठीक है, अब जो आपने रेसिड्यू इज एक्सट्रैक्ट लिखा है उसके नीचे एरो बना के लिखना. ये लिखा आपने ना, रेसिड्यू इज एक्सट्रैक्टेड विद 0.5 NH2SO4 लिखा है ना. तो अब आप लिखो एरो बना करके एरो के आगे लिखना, टोटल एसिड एक्सट्रैक्ट इज कंबाइंड, टोटल एसिड एक्सट्रैक्ट इज कंबाइंड. अब यानी कि आपके जो क्या है, रावोल्फिया का जो आपका अभी एक्सट्रैक्ट आया था रेसिड्यू, उसमें क्या होगा, जितने भी आपके जो मैंने बताया था ना आपको, जो एसिडिक नेचर ने कि अगर आपका उसमें एसिड सॉल्ट प्रेजेंट होगा तो वो कंबाइंड हो जाएगा आपका किसके साथ में, अमोनियम सल्फेट के साथ में क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा. फिर आप क्या करोगे, जब उसको फिल्टर करोगे, अभी तो आपका सिर्फ उसमें सेपरेटिंग फैन में आपने क्या किया था, उसको उसमें मिक्स कर रखा था, जब उसमें क्या हो जाएगा आपका कंबाइंड हो जाएगा वो. तो फर्दर लिखो नीचे द एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर्ड एंड द एक्सट्रैक्ट इज फिल्ट्रेट एंड मेड एल्केलाइन एंड मेड एल्केलाइन विद डाइल्यूट अमोनिया with dilute ammonia. With dilute ammonia. आपने क्या किया, रेसिड्यू में आप लोगों ने क्या डाला था, अमोनियम सल्फेट को डाला था. ठीक है ना, जिसने कि आपके क्या हुए, जो ड्रग में आपका जो रेसिड्यू था उसमें आपके जितने भी आपके क्या थे, एसिड सॉल्ट प्रेजेंट था आपके एल्केलॉइड कैटेगरी के, वो किसके साथ में कंबाइंड हो गए थे, आपके अमोनियम सल्फेट के साथ में कंबाइंड हो गए थे.
अब हमें क्या करना है, वो तो कंबाइंड हो गए आपके, लेकिन अब हमें उन्हें क्या करना है, जो कि आपका रिजर्विंग, जो कि क्या है मेनली आपका बेस है, जो कि आपको चाहिए है, ठीक है ना, उसे आपको क्या करना है, रिमूव करना है किसमें से, जो आपका एसिडिक में कंबाइंड हो रखा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया, इसको फिल्टर कर दिया। फिल्टर में हमने क्या डाला है, अमोनिया डाला है। अमोनिया क्या करता है, जो भी आपके जैसे रिजर्पिन था, अगर वो आपका क्या हुआ एसिड डालने के बाद, यानी कि आपका एसिड सॉल्यूशन डालने के बाद में वो क्या हुआ, आपका एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया था, यानी कि उसमें मिक्स हो गया था, तो वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो आपका रिजर्पिन है उसको रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेनली क्या रिजर्पिन चाहिए है और एल्कलॉइड्स नहीं चाहिए हैं। तो उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, उसमें अमोनिया ऐड करते हैं, क्योंकि अमोनिया क्या होता है आपका बेसिक, अमोनिया क्या होता है आपका बेसिक फॉर्म में होता है, यानी कि आपका ये बेस सॉल्यूशन है। इससे क्या हो जाएंगे, जो भी आपके एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है, यानी कि जो आपके एल्कलॉइड सॉल्ट प्रेजेंट है किसमें, जो ड्रग में, वो क्या हो जाएंगे, फ्री एल्कलॉइडल हो जाएंगे। इसमें लिखो नीचे एरो करके, फाइनली इट्स एक्सट्रैक्टेड विद क्लोरोफॉर्म। जब रिजर्पिन क्या हुआ आपका फ्री एल्केलॉइडल में आ गया, यानी कि आपका क्या हो गया, वो बेसिक फॉर्म में आ गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, आपको बताया था मैंने, जो आपके एल्केलाइन होते हैं, जो बेसिक नेचर के होते हैं, वो क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है ना। तो जब आपका यहाँ से जो एसिडिक नेचर के लिए जो आपका क्या हुआ था, जो रिजर्पिन था, जो आपका एसिडिक में कन्वर्ट हुआ था, उस टाइम पे जब हम लोगों ने इसमें क्या ऐड किया था, अमोनियम सल्फेट ऐड किया था, तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने उसमें अमोनिया डाल दिया। अमोनिया क्यों डाला, क्योंकि वो क्या करेगा आपके उस रिजर्पिन को, जिसकी हमें ज़रूरत है, उसको क्या कर लेगा, फ्री कर लेगा, ठीक है ना, यानी कि वो फ्री बेसिक फॉर्म में लेके आ जाएगा उसे। और जो आपके फ्री बेसिक फॉर्म में जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं, वो किस में सॉल्युबल होते हैं, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जो कि आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म ऐड किया उसमें, फाइनली इट्स एक्सट्रैक्ट विथ क्लोरोफॉर्म। फिर एरो बना के नीचे से लिखना फिल्ट्रेट। क्लोरोफॉर्म डाला हमने उस एक्सट्रैक्ट में, देन उसको क्या किया हमने, फिल्टर कर दिया। बता रही हूँ, फिल्ट्रेट लिखा आप लोगों ने, फिल्ट्रेट लिखा। अब जब हमने इसको क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया है, तो आप क्या, जो फिल्टर आपके पास, जो नीचे जो लिक्विड पोर्शन जो आपके पास आया है, उसे आपने क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव यानी कि आप उसे क्या करोगे, इवेपोरेट कर दोगे, ठीक है ना। इवेपोरेट किस में करोगे, आप वाटर बाथ में करोगे उसे। जब आप उसे इवेपोरेट कर दोगे, तो जितना भी आपका लिक्विड है, यानी कि जो आपका क्लोरोफॉर्म है, वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो आपके पास नीचे क्या बचेगा, सिंपल जो रेसिड्यू बचेगा आपका, वो आपका क्या होता है, मिक्सचर ऑफ रिजर्पिन। तो इसमें लिखो फिल्ट्रेट के नीचे, लिखो एरो करके, क्लोरोफॉर्म इज रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन। या तो आप डिस्टिलेशन मेथड से उसको इवेपोरेट कर सकते हो, या तो आप उसको डायरेक्ट इवेपोरेट कर सकते हो वाटर बाथ में रख करके। इतना लिखा, नेक्स्ट एरो बना के लिखना, एरो बना के लिखना, टोटल रावोल्फिया एल्केलॉइड्स कंसिस्ट, टोटल रावोल्फिया एल्केलॉइड कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, ऑफ डिफरेंट ऑफ टोटल रावोल्फिया एल्केलॉइड consist of mixture of different components.
एरो बना करके एरो के नीचे लिखना रेजरबीन, एरो के नीचे लिखोगे रेजरबीन और एरो के सामने क्या हो गया, ये है ना आपका, एरो के नीचे लिखो रेजरबीन और एरो के सामने लिखना कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एरो के नीचे लिखो रेजरबीन और सामने लिखना उसके कॉलम क्रोमेटोग्राफिक फ्रैक्शनेशन। लिखा, हाँ या ना तो बोलो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जब हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास लास्ट में जो रेसिड्यू आता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होंगे, जो कि आपकी एल्कलॉइड कैटेगरी की ड्रग है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब आपको लास्ट में क्या हो गया, जो आपको मिक्सचर मिला था उसमें आपने कौन सा यूज़ किया है, आपने कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया यानी कि फ्रैक्शनेशन किया है सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज़ निकालने क्योंकि आपको, ठीक है ना। तो रेजरबीन को आइसोलेट करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जो कि क्या करता है सेपरेट करता है रेजरबीन को कहाँ से, आपके जो एक्सट्रैक्ट में अदर एल्कलॉइड थे उनमें से। तो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, रेजरबीन। इतना समझ में आया, नहीं आया तो बता दो। अब लिखो इसके लिए मेथड ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एनालिसिस। फर्स्ट मेथड है आपका टीएलसी यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और सेकंड मैंने बताया आप लोगों को कॉलम क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी। सेकेंड मेथड आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी COLUMN कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब इनके जो मेथड है वो आप फिफ्थ यूनिट में बताऊंगी मैं इनको, ठीक है। अभी तो आपको सिर्फ इनके जो मेथड है वो लिखने, किस मेथड से आप क्या कर सकते हो फाइटोकॉन्स्टेंट्स को अलग कर सकते हो। इतना लिखा, इसका यूज लिखो, द ड्रग यूज्ड इन माइल्ड एंजाइटी, द ड्रग इज यूज्ड इन माइल्ड एंजाइटी कंडीशन माइल्ड एंजाइटी कंडीशन कॉमा करके ट्रीट माइल्ड हाइपरटेंशन। अब इसका टेस्ट मैं कल करवाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। आज के लिए इतना ही।